स्वागत है आपका। वर्ल्ड कप 2019 के लिए टीम ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया था, लेकिन एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी जो है वो यहां पर चोट की वजह से हो चुका है बाहर और टीम ऑस्ट्रेलिया ने उसका रिप्लेसमेंट भी अनाउंस कर दिया है। तो कौन है वो खिलाड़ी, कौन सा खिलाड़ी आया है रिप्लेसमेंट के तौर पर और क्या है ऑस्ट्रेलिया का नया फुल स्क्वाड 15 मेंबर का, आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, सभी टीमों की तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने 15 मेंबर के स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया था, जहां पर डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ की वापसी हुई थी, डार्सी शॉट, एस्टन टर्नर जैसे प्लेयरों को मौका नहीं दिया गया था। लेकिन यहां पर दोस्तों एक बहुत ही बड़ा झटका जो है वो ऑस्ट्रेलिया को लगा है, जहां पर आपको बता दें इनके फास्ट बॉलर जय रिचर्डसन जो है वो शोल्डर इंजरी के कारण वर्ल्ड कप 2019 से बाहर हो चुके हैं। दोस्तों, जय रिचर्डसन बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे, हमने देखा था इंडिया के खिलाफ भी जब मैच हुए थे तो विराट कोहली को लगातार उन्होंने तंग किया था और यहां पर उनका बाहर होना वर्ल्ड कप 2019 से काफी बड़ा झटका है ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए। लेकिन अब वो हमें वर्ल्ड कप 2019 में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, शोल्डर इंजरी की वजह से जो है वो हो चुके हैं बाहर। बात करें इनके रिप्लेसमेंट की तो केन रिचर्डसन जो भी एक बहुत ही बढ़िया फास्ट बॉलर है उनको जो है रिप्लेसमेंट के तौर पर लेकर आई है टीम, यानी कि जय रिचर्डसन को जो है वो रिप्लेस किया है केन रिचर्डसन ने वर्ल्ड कप 2019 में। तो ये एक बड़ा चेंज जो है वो हुआ है ऑस्ट्रेलिया की टीम में। बात करते दोस्तों 15 मेंबर का स्क्वाड कैसा है इस चेंज के बाद, तो पहले बात करेंगे बैट्समैन की। तो सबसे पहले है एरन फिंच जो कि टीम के कप्तान है, उनके बाद डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ की यहां पर वापसी हुई है, उस्मान ख्वाजा है, सोन मार्स है और एलेक्स कैरी जो है वो है विकेट कीपर बैट्समैन। बात करें दोस्तों अगर ऑलराउंडर्स की तो ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस दो यहां पर बेहतरीन ऑलराउंडर है टीम में। बॉलर्स की अगर बात करें तो एडम जाम्पा और नेथन लायन दो स्पिनर है टीम के पास। वहीं फास्ट बॉलर्स की अगर बात करें तो पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जेसन बैरनडॉफ, केन रिचर्डसन और नेथन कुल्टर-नाइल, ये कुछ 15 मेंबर का जो स्क्वाड है वो है ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप 2019 के लिए, जहां पर एक बड़ा बदलाव हुआ है। जय रिचर्डसन जो है वो बाहर हुए हैं और केन रिचर्डसन जो है वो आए हैं टीम के अंदर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया का, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। क्या इस स्क्वाड के साथ वर्ल्ड कप 2019 जीत सकती है ऑस्ट्रेलिया टीम, आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।